चुके हैं, अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर एक, कोयले ने हीरे को सहोदर बताया, इस कथन की सत्यता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कोयले ने हीरे से कहा कि अपना तो जन भर का साथ है, हम तो सगे भाई हैं, अर्थात हीरा कोयले की खदान से ही निकलता है। प्रश्न नंबर दो, हीरा अपनी उपयोगिता किस प्रकार बताता है? उत्तर, हीरा कहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता रहता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं और मुझे देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं। क्यों खुल जाती है? क्योंकि हीरा तो बहुत चमकता है, इसलिए। प्रश्न नंबर तीन, हीरा रंग रूप में कोयले से किस प्रकार अपनी तुलना करता है? उत्तर, हीरा कहता है कि मैं तो गोरा चिट्टा हूँ और तू तो काला कलूटा है, देखा है आपने कोयला बिल्कुल काला होता है। हीरा कोयले से कहता है कि मैं तो सूरज की तरह चमकता हूँ और तू तो एक कंकर की तरह खान से बाहर आता है। प्रश्न नंबर चार, कोयला किसके लिए जलता है? उत्तर, कोयला हमेशा दूसरों के लिए जलता है। कोयला हीरे को क्या दोष देता है? उत्तर, कोयला हीरे से कहता है कि तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है, तू नित्य तालों में बंदी बनकर रहता है। हीरा महंगा होता है, अनमोल होता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, तालों में अपनी अलमारियों में इनमें बंद करके रखते हैं, और बड़े बड़े राज्य यानी तेरी वजह से ही राज्यों में लड़ाइयां होती है, इस कारण सारे राज्य तहस नहस हो जाते हैं कि ऐसी अनमोल चीज किस काम की जो हमें बर्बाद कर दे। प्रश्न नंबर छह, कोयले द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है? उत्तर, कोयले द्वारा सच्चे आभूषण शब्द का प्रयोग मनुष्यता के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर सात, हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाने कहने पर कोयले ने क्या व्यंग किया? उत्तर, कोयले ने कहा, नित्य बंदी बनकर सौ सौ तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझता है, मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ।